सबसे पहले न्यूज नेशन ये खबर आप तक पहुंचा रहा है। पेरिस में FATF की बैठक में पाकिस्तान को कोई राहत नहीं मिली है, जिसकी उम्मीद पाकिस्तान लगाए बैठा था। कल की बैठक की तरह इस किसी भी तरह की ढील देने से इनकार यहां पर किया गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर जो सबसे पहले न्यूज नेशन आप तक सटीक जानकारी के साथ पहुंचा रहा है, फिलहाल ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है। आज FATF की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह से कभी सख्त कदम नहीं उठाया है, जिसका वो दावा करता है। तो बड़ा फैसला यहां पर FATF की बैठक में लिया जा सकता है। दो एक्शन पॉइंट पर पाकिस्तान को काम करना है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करनी है, जो कि उसने अब तक फिलहाल नहीं की है, बल्कि उसकी ही जमीन पर आतंकवाद फलता फूलता रहा है, किसी भी तरह से कभी सख्त कदम नहीं उठाया है, जिसका वो दावा करता है। तो बड़ा फैसला यहां पर FATF की बैठक में लिया जा सकता है। दो एक्शन पॉइंट पर पाकिस्तान को काम करना है। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को कार्रवाई करनी है, जो कि उसने अब तक फिलहाल नहीं की है, बल्कि उसकी ही जमीन पर आतंकवाद फलता फूलता रहा है।